रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आज हम सीखेंगे अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। अब हमें क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्शन भी करना है, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, अरेंज करना है कॉलम में। अरेंज कैसे करेंगे वो देखो, पहले आपको टेबल बनाना है, जैसे मैंने कॉपी में बनाई है। देखो क्या बनाई है, पहले आपको टेबल में सबसे पहले लिखना है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेख, टेन लेख। ये क्या है, प्लेस वैल्यूज है हमारी, जहाँ पर नंबर्स डिजिट्स आएंगे वहाँ पर हम रख देंगे। सो देखिए नंबर्स क्या है, पहले देख लीजिए आप कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब ऊपर कौन सा नंबर रहेगा, नीचे कौन सा नंबर रहेगा। आपको हमेशा ऐसा नहीं करना है कि पहले वाली जो डिजिट हो ऊपर रख दी और दूसरे वाली नीचे, नहीं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, किसमें से 35,02,675 फ्रॉम। जब भी आपके पास सब्ट्रैक्शन में ऐसा लिखा जाए कि फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट कहाँ रहती है, हमेशा ऊपर रहेगी। फ्रॉम का मतलब जो आपको डिजिट दे रखी है उसमें से माइनस करना है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 7, तो आप क्या करोगे, 7 में से 2 माइनस करोगे। सो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट ऊपर रहेगी। सब्ट्रैक्शन करते हैं, अरेंज कर दी कॉलम को हमने, कैसे अरेंज करते हैं वो सिखा देता हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, जो नंबर दे रखा है उसकी डिजिट स्टार्ट कहाँ से करनी है, लिखना पीछे से। जैसे 76,12,923 में लास्ट में क्या है, 3 है, सो 3 पहले लिखेंगे, 3, उसके बाद 2, उसके बाद 9, 2, 1, 6, 7। आगे से आपको लिखना स्टार्ट नहीं करना है, पीछे से आपको स्टार्ट करना है। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 में से माइनस 5 करेंगे, सो 3 स्मॉलर नंबर है, 5 ग्रेटर है। सो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे फिर, सो ये 2 कैरी देगा उधर, तो यहाँ तो बचेगा 1, लेकिन 3 कितना हो जाएगा आपका, 13। 13 माइनस 5, 13 में से हम 5 माइनस करते हैं तो हमारा नंबर कितना बचता है, 8। अब 1 में से मैं माइनस 7 करूँगा, लेकिन 1 स्मॉलर नंबर है, सो क्या करेगा, कैरी लेगा, तो 1 हो जाएगा 11। और 9 कितना हो जाएगा, 9 ने उसे उधार दिया है 1, तो ये बन गया 8। 11 माइनस 7 कितना बनेगा आपका, 4। 8 में से 6 माइनस हो जाएगा, हो जाएगा क्योंकि 8 माइनस 6 कितना होता है, 2, बिकॉज 8 इज़ अ ग्रेटर नंबर एंड 6 इज़ अ स्मॉलर नंबर। देखिए 2 माइनस 2, जब सेम टू सेम नंबर में से माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारा, 0। 1 माइनस 0, देखिए ग्रेटर कौन सा है, 1 है, और माइनस क्या कर रहे हैं, 0। सो ग्रेटर क्या है, 1 है, इसका मतलब उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका नंबर 1 में से कुछ भी माइनस करो तो 1 ही बचेगा। 6 माइनस 5, सो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 बचेगा। 7 माइनस 3, 7 में से माइनस 3 करूँगा तो क्या बचेगा मेरा, 4। ये आपका हो गया आंसर।